नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कृषि कानूनों पर किसान सच बोल रहा है या सरकार सच बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, हरियाणा के मंत्री और सांसद लगातार किसानों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के साधारण नागरिकों के मन में किसानों के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारी तिकड़में नाकाम साबित हो रही है। और नतीजा ये निकला है कि देश के लोगों ने किसानों के समर्थन में मोदी सरकार का चक्का जाम कर दिया। देश के लोगों ने दिखा दिया है कि दरअसल सरकार झूठ बोल रही है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सच और झूठ का खेल प्रधानमंत्री खेलने लगे तो क्या किया जाए? तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर देश के आम लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए, किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए भारत को बरगलाया है? उसके सामने आधी अधूरी बात रख के देश के अरबपतियों के लिए बनाए गए कानून पर समर्थन जुटाने की कोशिश की है? इसको समझने के लिए आपको 30 नवंबर 2020 को प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात पर गौर करना होगा। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि जब कोई सरकार बेईमानी पर उतरती है तो कहां तक जाती है। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का बखान करते हुए महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोई का उदाहरण दिया था। महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोई जी ने नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको भी जानना चाहिए। जरूर जानना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आधी अधूरी बात करके देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सवाल सरकार की नीयत का है। जितेंद्र भोई ने मक्के की खेती की थी। फसल का सौदा मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से तय हुआ। कुल कीमत तय हुई 3,32,000 रुपए मात्र। व्यापारी ने 25,000 रुपए की पेशगी दी, एडवांस दिया और मक्का उठा लिया, लेकिन 4 महीने तक उसने भुगतान नहीं किया। किसान परेशान। पीएम मोदी इस कहानी को ले उड़े। इस स्थिति में उनकी मदद की, सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है, और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। मोदी जी यहां तक बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, लेकिन उनके मन की बात में किसान के मन की बात नहीं थी। यह बात आधा सच है कि जितेंद्र भोई एसडीएम के पास गए और उन्हें मदद मिली, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस किसान के साथ नाइंसाफी की सबसे बड़ी बात बहुत करीने से दबा दी। अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था। उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया। मैं 5 बिंदुओं में पीएम मोदी जी की होशियारी को समझाता हूं। होशियारी नंबर 1, यह बात सच है कि महाराष्ट्र के जितेंद्र भोई एसडीएम के पास गए, लेकिन कहां के एसडीएम के पास? मध्य प्रदेश के उस एसडीएम के पास जहां का व्यापारी था, महाराष्ट्र के धुले के एसडीएम के पास नहीं जहां का किसान था। मतलब मान लीजिए बिहार के कटिहार का कोई किसान केरल की किसी कंपनी के साथ फसल का उपज का सौदा करता है और वो करार तोड़ देता है, तो कटिहार के किसान को केरल के किसी एसडीएम के पास आवेदन देना होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बलिया, बस्ती, बांका, पटना, भोपाल का किसान रिलायंस से सौदा करे और जब रुपया न मिले तो शिकायत करने मुंबई के एसडीएम के पास जाना पड़े? मतलब न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। नाचेगी मोदी जी को प्यारी कंपनियां और माथा पकड़ के रोएगा किसान। मोदी जी की होशियारी नंबर 2, किसानों की सबसे बड़ी मांग क्या है? MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम नहीं। पीएम जी ने बहुत चालाकी से यह बात छिपा ली कि जितेंद्र भोई को इस सौदे से फायदा नहीं हुआ है, असल में बहुत भारी नुकसान हुआ है। ठीक से समझिएगा कैसे।
सरकार ने खुद मक्के की एमएसपी तय की 1850 रुपए क्विंटल, लेकिन व्यापारी के साथ जितेंद्र भोई का सौदा कितने का हुआ? 1240 रुपए क्विंटल पर। मतलब हर क्विंटल पर 610 रुपए का घाटा हुआ जितेंद्र भोई को। 270 क्विंटल के सौदे में जितेंद्र भोई को मिलना चाहिए था 4,99,500 रुपए, लेकिन मिला कितना? 3,32,000 रुपए मात्र। बचा हुआ 70 क्विंटल मक्का जितेंद्र भोई ने इससे भी कम भाव पर लोकल मार्केट में बेच दिया। मतलब 340 क्विंटल मक्के के सौदे में जितेंद्र भोई को कम से कम 2,07,400 रुपए का नुकसान हुआ।